हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 3 के पाठ 3 नागप्पा का शंख का लेसन जानेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लेसन पढ़ूंगी, आप सब सुनिएगा। चार चोर थे, वो सेंधमारी में प्रवीण थे। एक रात वे एक पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चले। तो इस लेसन में किसके बारे में है, चार चोर के बारे में। चार चोर थे, वो सेंधमारी में प्रवीण थे। सेंधमारी यानी चोर जब चोरी करने घर में घुसता है तो क्या करता है, होल्स डालता है, दीवार में होल बनाकर उसमें से घुसता है, तो उसे सेंधमारी कहते हैं। ठीक है, तो वो सेंधमारी में प्रवीण थे। प्रवीण यानी एक्सपर्ट थे। वो चार चोर जो है दीवारों में होल डालकर वहाँ से घुसकर चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये एक रात वो पंडित के घर चोरी करने के लिए गए और वो चोरों ने घर के पीछे से सेंध लगाने लगे। वो चोर क्या करने लगे, घर के पीछे की दीवार में सेंध लगाने लगे। हथौड़े और केले की ठोकने की आवाज़ सुनकर पंडितायन की आंख खुल गई। जब दीवार फोड़ते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो उस आवाज़ से पंडितायन की आंख खुल गई। तो उसने अपने पति नागप्पा को जगाया। पंडितायन ने क्या किया, अपने पति नागप्पा को जगाया। नागप्पा हड़बड़ाकर उठा और पूछा, क्या बात है। तो पंडितायन ने कहा, धीरे बोलो, सुनो, कोई दीवार में सेंध मार रहा है। कोई दीवार में, हमारे पीछे घर के पिछले की दीवार में कोई सेंध मार रहा है। तो नागप्पा ने ध्यान से सुना और फिर गर्दन हिलाकर बोला, हाँ ये सही है, सेंध मार ही है। हाँ, ये आवाज़ से ये पता लगता है कि ये सेंध मार रहे हैं। तो वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर उसने क्या कहा कि वो ज़रा भी ना घबराए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि ज़रा भी ना घबराए, यदि उसकी चीख सुनकर तो भाग कर आए और चिल्लाए ताकि पड़ोसी जाग जाए। नागप्पा के पत्नी कृष्णा ने सिर हिला दिया। तो जब पंडित नागप्पा ने कहा कि वो ज़रा भी ना घबराए और उसकी चीख सुने तो पड़ोसी जो है आ जाएंगे, तो नागप्पा की पत्नी कृष्णा ने क्या किया, सर हिलाया। नागप्पा ने एक थैला लिया। तो अब नागप्पा ने क्या किया, एक थैला लिया, अपने बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया और बाहर निकला। अपने बालों और मूछों को ठीक किया और बाहर निकला। उसका शक सही निकला। वो निडर होकर उन चार सेंध मारों के नज़दीक गया। उसका शक सही निकला कि कोई सेंध मार रहा है और वो निडर होकर डरे बिना उन चार सेंध मारों के सामने चला गया। सेंध मार चौंक पड़े। तो सेंध मार चौंक गए कि ये कौन आ गया। वो कुछ कहते इससे पहले नागप्पा ने कहा, भाइयों, मैं स्वयं सेंध मार हूँ, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सेंध मार जब चौंक गए तो सेंध मारों के कुछ कहने से पहले ही नागप्पा कहने लगा कि डरो मत भाइयों, मैं भी एक सेंध मार हूँ, तो मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक सेंध मार ने कहा, फिर तो अच्छी बात है। नागप्पा हंसा और बोला, खाक अच्छी बात है, अरे पगलों, यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का घर है। तो नागप्पा क्या कहने लगा, देखो अपनी सूझबूझ से नागप्पा क्या कहने लगा, खाक अच्छी बात है, अरे पगलों, ये तो एक दरिद्र पंडित नागप्पा का घर है। पंडित के पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें चोरी करनी ही है तो यजमानी करने के लिए ये केल प्रकारण अपने पेट पालता है। ये पंडित जो है ये केन प्रकारण यानी किसी ना किसी प्रकार से अपना पेट पालता है। चलो ज़मींदार के घर चलते हैं, वहाँ खूब माल है। सेंधमारों को नागप्पा की बात ठीक लगी। वो ज़मींदार की हवेली गए। सेंधमारों ने उसे समझाया कि पहले तुम हवेली में जाओ, तुम्हें हवेली के चप्पे चप्पे का पता है। तो सेंधमारों ने क्या कहा कि तुम पहले हवेली में जाओ क्योंकि तुम्हें हवेली का कोना कोना पता है, फिर दरवाज़ा खोल देना, हम
अंदर आ जाएंगे, हम भीतर आ जाएंगे, भीतर यानी अंदर। तो इन चारों सेंधमारों ने नागप्पा से क्या कहा कि तुम पहले हवेली के अंदर चले जाना, फिर हम पीछे पीछे आ जाएंगे। नागप्पा ने इनकार नहीं किया, नागप्पा ने ना नहीं कहा। यदि वो इनकार करता तो इनको ये संदेह हो जाता, ये यकीन हो जाता कि ये एक सेंधमार नहीं है। तो उसे एक छोटी दीवार से के हवाले सेंधमारों ने हवेली में कुदा दिया। नागप्पा हवेली में इधर उधर घूमने लगा। क्या ठाट बाट थे, क्या संपदा थी। कुछ समय बाद वो अपने थैली में से शंख निकालकर बजाने लगा। जब पूरे सेंधमारों ने नागप्पा को हवेली के अंदर भगा दिया तो नागप्पा ने पहले हवेली को इधर उधर देखा कि बहुत ठाट बाट थी, और उसने क्या किया, अपने जेब से शंख निकाल कर बजाने लगा, अपनी थैली से शंख निकाल कर बजाने लगा और दरवाज़ा खोल दिया। शंख निकाल कर बजाने लगा और उसने हवेली का दरवाज़ा भी खोल दिया। इधर ज़मींदार के लटेत जागे और उधर सेंधमार भीतर घुसे। इधर क्या हुआ, इधर ज़मींदार के लटेत यानी सिक्योरिटी गार्ड्स, जो ज़मींदार के सिक्योरिटी गार्ड्स थे ना, वो सो गए थे ना रात के समय। नागप्पा की शंख की आवाज़ सुनकर वो जाग गए, और इधर जब उसने दरवाज़ा खोला तो सारे सेंधमार अंदर आ गए। ज़मींदार के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया, तो ज़मींदार के आदमियों ने सेंधमारों को पकड़ लिया। नागप्पा को देखकर ज़मींदार ने पूछा, नागप्पा तू? नागप्पा ने सारी बात बता दी। ज़मींदार उसकी बुद्धि और कौशल से बड़ा खुश होकर, प्रसन्न होकर उसे धन दिया। बुद्धि से, उसकी चतुराई से खुश होकर ज़मींदार ने नागप्पा को क्या दिया, इनाम में धन दिया। धन यानी पैसे दिए। तो शब्दार्थ को देखेंगे, सेंधमारी यानी चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ खेद जिसमें से होकर चोर घर में घुसता है। प्रवीण यानी किसी कार्य में विशेष रूप से निपुण। अस्त व्यस्त यानी अव्यवस्थित या उल्टा पलटा। शक संदेह, शंका। निडर साहसी, निर्भय। दरिद्र यानी गरीब, निधन। यजमानी यानी यज्ञ, धार्मिक कार्य। येन केन प्रकारण यानी किसी ना किसी प्रकार। चप्पा चप्पा यानी हर जगह। संपदा यानी धन, दौलत, ऐश्वर्य। अब अभ्यास को जानेंगे। घर में कितने चोर आए थे, घर में चार चोर आए थे। पंडितायन की आंख क्यों खुल गई, हथौड़े व कीले ठोकने की आवाज़ सुनकर पंडितायन की आंख खुल गई। नागप्पा की पत्नी का नाम क्या था, नागप्पा की पत्नी का नाम कृष्णा था। सेंधमार और नागप्पा कहाँ जाने का निर्णय लेते हैं, सेंधमार और नागप्पा ज़मींदार के घर जाने का निर्णय लेते हैं। सेंधमार किसके घर में चोरी करने आता है, सेंधमार ज़मींदार के घर में चोरी करने आता है। नागप्पा ने थैली में क्या से क्या निकाला, नागप्पा ने थैली में से शंख निकाला। नागप्पा के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर ज़मींदार उसे क्या दिया, नागप्पा के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर ज़मींदार ने उसे धन दिया। सही या गलत, आठ चोर थे, गलत। चोर घर के आगे से सेंध लगाने लगे, गलत। पंडितायन ने अपने पति को नहीं उठाया, गलत। नागप्पा ने अपने बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया, सही। नागप्पा को हवेली के चप्पे चप्पे का पता नहीं था, गलत। नागप्पा ज़मींदार का भी पंडित था, सही। नागप्पा अपने थैले में से शंख निकालकर बजाने लगा, सही। थर्ड में सही शब्द चुनो और रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वो चोर घर के पीछे से डैश लगाने लगे, सेंध। हथौड़े व कीले ठोकने की आवाज़ सुनकर डैश की आँख खुल गई, पंडितायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे बोलो सुनो, कोई डैश में सेंध मार रहा है दीवार। नागप्पा ने एक डैश लिया, थैला। ये तो एक डैश नारायण नागप्पा का मकान है, दरिद्र। सेंध मारों को नागप्पा की बात डैश लगी, सही। नेक्स्ट मेन, सही जोड़ मिलाओ, नागप्पा पंडित, पंडितायन कृष्णा, थैला शंख, ज़मींदार हवेली। नेक्स्ट, कौन क्या है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। शंख, तबला, दीवार, खिड़की, ढोलक, सेंधमार, डकैत, मकान, हवेली, मुरली, लुटेरे, दरवाज़ा, समुद्र।
दृढ़ाकु हारमोनियम, इन शब्दों का अर्थ समझो और उन्हें सही स्तंभ में लिखो। बाजा यानी तबला, ढोलक, हारमोनियम मुरली। आवास यानी मकान, खिड़की, दरवाज़ा। चोरी समुद्र, लुटेरे डकैत, समुद्र डाकू। ठीक है, तो ये रहा आपका लेसन नंबर 3, नागप्पा का शंख। अगर आपको दूसरे लेसन्स की नोट्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और आगे के लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।